नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर तरफ प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और उनको अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल के तहत आज हमारी टीम ने जनपद शामली की कई ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया और यहां पर प्रत्याशियों व जनता से बात की। शामली की ग्राम पंचायत भैसान इस्लामपुर में हमने पूर्व ग्राम प्रधान राव मुरसलीन के पुत्र और ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी राव साबिर से बात की तो उन्होंने गाँव में किए गए विकास कार्यों को गिनवाया। गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है जिसको वह सुचारू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कायाकल्प के तहत कार्य किए और विद्यालयों की हालतों को सुधारा और यदि जनता उन्हें दोबारा से मौका देती है तो गांव को विकास की ओर लेकर जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर कुछ ही दिन बाकी है। तीसरे चरण का मतदान होना है, 26 अप्रैल का दिन तय किया गया है। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत भैसान इस्लामपुर में जहाँ पर हम ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रत्याशियों और पूर्व प्रधानों से बात कर रहे हैं। ग्राम चौपाल कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भैसान इस्लामपुर में जहां पर पूर्व प्रधान राव मुरसलीन के पुत्र राव साबिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। उनसे जानेंगे कि किन योजनाओं को लेकर वो गांव के बीच जा रहे हैं और ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। राव साबिर जी, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। हम जानना चाहते हैं कि आप पूर्व प्रधान के पुत्र भी हैं और इस वक्त आप प्रत्याशी भी हैं, पिछले कार्यों को लेकर आप गांव के बीच जा रहे होंगे और क्या क्या योजनाएं थी जिनको आपने लागू कराया और क्या आगे के विकास कार्य हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं गांव की जनता का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि गांव की जनता ने इस पिछले चुनाव में भी हमारे अब्बा को पूर्ण समर्थन देकर कामयाब करा और 5 साल विकास की गंगा उन्होंने इस गांव में बहाई। उनके प्रधान से पहले गांव में निकलने के रास्ते नहीं थे और 5 साल में हमारे गांव में इंटरलॉकिंग सड़कें, सीसी सड़कें, हमारे स्कूलों का कायाकल्प, रिकॉर्ड तोड़ विकास 5 साल में हमारे पिताजी ने गांव में कराया और उसी विकास के रथ को हम दोबारा से आगे आने वाले चुनाव में जो हम अब कामयाबी गांव की जनता हमें देगी और उसी विकास को हम फिर दोबारा से 5 साल रिकॉर्ड तोड़ विकास करना चाहते हैं गांव के लिए। शिक्षा के स्तर को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा को गांव ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी अछूता रखा जाता है, शिक्षा के पर आपने क्या क्या काम किए? शिक्षा जो हमारे गाँव में विद्यालय थे, प्राइमरी नंबर 1, प्राइमरी नंबर 2 और जूनियर विद्यालय, तीनों विद्यालयों का कायाकल्प हमने पूर्ण तरीके से कराया। आज हमारे तीनों विद्यालय साफ स्वच्छ और बहुत अच्छे हैं, बल्कि जिले में भैसानी के स्कूलों का नंबर आता है और उसमें बच्चे और मास्टर वगैरह सही तालीम दे रहे हैं, सही खाना सब सही टाइम पे बच्चों को मिल रहा है और आगे भी हम इस तरह का शिक्षा के जो स्कूलों में काम होगा और शिक्षा के प्रति पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। योजनाओं को लेकर वृद्धा पेंशन, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, काफ़ी योजनाएँ हैं, इन पर आपने कितने काम किए पिछले 5 साल? योजनाएं तो जो सरकार की तरफ से आती रही बराबर हम उसका प्रचार करते रहे और वे योजनाएं पूर्ण रूप से गांव वालों को दिलाते रहे, उनका लाभ गांव वाले उठाते हैं और आगे भी जो भी योजना आएगी पूर्ण रूप से गांव वालों को उनका लाभ दिलाते रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर गाँव में PHC वगैरह पर कितनी व्यवस्थाएँ कराई जाती हैं और अगर कुछ मरहूम रह गया है तो कितनी योजनाएँ आप आगे स्वास्थ्य को लेकर लेके जाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर है, हर किसी को स्वास्थ्य अपने गांव के अंदर ही चाहिए, इसको लेकर क्या काम किया? हमारे यहाँ जो PHC है उसकी हालत अभी चिंताजनक है, उसके हालात ठीक नहीं है। हमने अधिकारी गणों से प्रयास भी करा और उसका कायाकल्प भी प्रधान का समय समाप्त होने के बाद में अभी काम उसमें कार्य हमारे सचिव साहब करा रहे हैं और वो भी हमारा बहुत अच्छी तरह सही हो जाएगा और हमारी अधिकारियों से, प्रशासन से, शासन से ये मांग है कि हमारे CHC को और बड़ा करा जा और उसमें बेड की व्यवस्था वगैरह, डॉक्टर की व्यवस्था उसमें पूर्ण तरीके से कराई जाए और उस काम कराने का प्रयास भी करेंगे। हम अपने अधिकारियों से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे अधिकारी हमारे उस काम को कराएंगे। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो सड़कें, पानी, बिजली, इसको लेकर कितने कार्य किए, कितनी सड़कें बनवाई, कौन सी सड़क अभी है जो रह गई है और पानी की व्यवस्था किस तरह से सुचारू की जाती है? हमारे यहाँ कुछ सड़कें हैं जो 5 साल में नहीं बन पाई और पूर्ण रूप से बहुत काम हमारे यहाँ हो चुका है, सीसी इंटरलॉक वगैरह सब हो चुका है, जो रह गई है 1 साल के अंदर अंदर ऊपर वाला हमें कामयाबी दे और गांव की जनता ऐसी नहीं है, विकास को वोट देगी
हमारे यहाँ विकास बिल्कुल नहीं था आपसे पहले, अब बहुत विकास हुआ है और मुझे उम्मीद है कि गांव की जनता जो है वो विकास को पूर्ण रूप से समर्थन करेगी और आने वाले समय में एक साल में हमारे यहाँ की जो सड़कें रहेगी उन्हें हम पूर्ण रूप से तैयार करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे गाँव की, किसके किस तरह का प्रत्याशी चुने और क्या आप कहेंगे? जनता से मेरी ये अपील है कि काम करने वाले व्यक्ति को जनता चुने, अगर काम करने वाले व्यक्ति को जनता नहीं चुनेगी और बिना काम करने वाले व्यक्ति को जनता चुनेगी, क्योंकि इस योजना में इतना रिकॉर्ड तोड़ काम हमने गांव को दिया है और अगर बिना काम करने वालों को जनता चुनेगी तो उसका एक मैसेज जाएगा कि भाई काम तो मुर्शिदीन प्रधान ने बहुत कराया है, जब उसे ही काम की वोट नहीं मिली तो आगे काम कराने से क्या फ़ायदा होगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि जनता पूर्ण रूप से काम को वोट देगी, क्योंकि आज हमारा गांव जिले में बहुत अच्छे गांव के स्तर पर पहुंचा है, साफ स्वच्छ हर तरह से सड़कों से स्कूल से सब बहुत अच्छा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जनता पूर्ण रूप से विकास को सहयोग करेगी, विकास को ही समर्थन देगी। ये थे हमारे साथ पूर्व प्रधान मुर्शिदीन राव के पुत्र राव साबिर, जिन्होंने अपनी योजनाओं को गिनवाया, अपने कार्य को गिनवाया और आगामी कार्यों और योजनाओं के लेकर अपने लक्ष्य रखा। हलचल इंडिया के लिए इकराम राणा के साथ हिमांशु पाल। शामली जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है 26 अप्रैल को। आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत भैंसा इस्लामपुर में, जहां पर ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी मैदान में है और वो क्या चाहते हैं कि उनके गांव में किस तरह का विकास हो और क्या हुआ। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है और उन्हें आगामी प्रत्याशी से क्या उम्मीदें हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद सलीम। सलीम जी बताइए, पिछले 5 सालों में क्या क्या कार्य हुए और आगामी कार्यों में आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई क्या गिना, कार्य तो ज्यादा ही हुआ गाँव में, बहुत ही ज्यादा कार्य हुआ। सड़कें बनी, स्कूल बढ़िया बने, मास्टर अच्छे रखे गए, उनका खान पीन का सही वो रखा गया हिसाब। वैसे कोई आदमी परेशान नहीं है, इंशाल्लाह कभी नहीं का नंबर आना है। कुछ बचा है गांव में जिसकी उम्मीद आप आगे? चीज तो बची नहीं, बस ऐसा है जो कोई मकान दुकान होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई चीज तो बची नहीं भाई, सब बनेगी, सड़कें सब बनगी, देख लो आप गांव में घूम कर। आपकी सभी समस्याएं दूर हुई अब तक 5 साल में? 5 साल के कार्यों में काफी जनता खुश है, लेकिन कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या वो चाहते हैं। जी आप ठीक हुआ जी, सब काम बहुत अच्छा हुआ इस साल, इसके 5 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छा काम हुआ और इंशाल्लाह भी उम्मीद है कि आगे भी ना कोई परेशानी ना कोई दिक्कत आई और आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक ही रहेगा। फिर से गांव में इन्हीं की सरकार लाना चाहेंगे? हाँ, इन्हीं की लाना चाह रहे विकास की वजह से। जी आपका नाम? जी अपना भी यही हुआ है। क्या क्या काम हुए? सब कुछ हुआ जी, सड़कें बनी, लेटरिन बनी, वृद्धा पेंशन सब कुछ हुआ, सब कुछ हो गई। गांव के विकास कार्य को लेकर आज हम ग्राम पंचायत भैसन इस्लामपुर में हैं। भैसन इस्लामपुर के लोग क्या चाहते हैं और क्या कार्य हुए इसकी जानकारी लगातार हम ले रहे हैं। जी आपका नाम जानना चाहेंगे? शौकीन जी। शौकीन जी बताइए, गांव में क्या क्या कार्य हुए, कितने कार्य हुए अब तक? जी गिन भी नहीं सकते आप इतना काम हुआ यहाँ तो, सड़के नाले खाड़े सब चीज हुए थे यार, यहाँ तो कोई कमी नहीं रहेगी। खुश आप पूर्व प्रधान से? अजी खुश क्या, हम तो दोबारा लाना चाह रहे हैं। आगे क्या कार्य रह गए थे जिन्हें पूरा करवाना चाहेंगे आप? थोड़ी बहुत ही 2-4 सड़क होंगे हमारे गाँव में, नहीं तो है नहीं, जायजा लेके देख लो आप। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे, हॉस्पिटल होना चाहिए? हॉस्पिटल की कमी है जी हमारे यहाँ, बहुत बड़ी कमी है, बड़ा गांव है नहीं जहाँ से, इसकी बहुत ज़रूरत है, तो सरकार से अपील है हमारा काम होना चाहिए। शिक्षा उच्च स्तर की भी होनी चाहिए, हाई स्कूल इंटर को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? अजय तो हमारे मोरी सामने करवा दे, स्कूल बनने लग रहा है यहाँ से, उसका तो फायदा हो गया गाँव को भी। शिक्षा और स्वास्थ्य दो विभिन्न समस्याएं हैं जिन पर हम ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि गांव में कितना बेहतरी हुई है और कितनी और होनी है। जी आपका नाम? खालिद। खालिद जी ये बताइए कि स्वास्थ्य और शिक्षा दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, गाँव में क्या स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है? अभी तो सही है सारी स्थिति जी, आगे जो इसने भाई ने बताया वो सही बताया इसने। गाँव में सड़कें बिजली पानी मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन इससे हटकर जो है शिक्षा होती है, शिक्षा का स्कूल यहाँ पर कहाँ तक है? 8वीं तक के हाई स्कूल इंटर होना चाहिए यहाँ पे। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं प्रधान जी से कि हाई स्कूल? भाई आगे विकास तो बहुत करवाया प्रधान जी ने, आगे अब के फेरी नहीं का नंबर है, आगे बनवाओगे इंटर कॉलेज? उम्मीद है बना देंगे उम्मीद है। शिक्षा को लेकर काफी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षा पर बात करेंगे। जी आपका नाम? जी मोहम्मद शहजाद।
शिक्षा से पहले हमारे इन 5 साल से पहले हमारे स्कूल की हालत ऐसी थी कि वहाँ पे बहस नहीं भी हो रही थी, और आज हालत उसकी ऐसी देख लियो, इसमें पत्थर लाइट सब चीज़ें, और शिक्षक भी उच्च मतलब जो हैं मास्टर जी हैं ये बहुत अच्छी तरीके से हैं और सब पढ़ाई अच्छी तरीके से करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कोरोना काल में इन प्रधान ने ऐसा साथ दिया है कि कम से कम 500 घर ऐसे हैं जिनके यहाँ पर अपनी तरफ से राशन खाना सब पहुँचाया था उन्होंने, इतना साथ दिया है इस कोरोना काल में जो परेशानी की हालत में भी ये दिया है। और रही सड़कों की बात, सड़कों में ऐसा कोई बची है कुछ सड़कें जो शायद इस 5 साल में कोरोना की वजह से पूरी नहीं हो पाई, और गांव वालों ने किसी ने साथ दिया, सबसे साथ दिया, जिस तरह से काम हुआ है तो इन 5 साल में कोई कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ये दावा है। जी आपका नाम? मुस्तकीम जी, बताइए शिक्षा स्वास्थ्य पढ़ाई की चाहिए और अच्छी सेहत की चाहिए? हाँ जी, पढ़ाई बहुत अच्छी रही हमारे स्कूलों में, और 5 साल से पहले स्कूल नहीं पढ़े हुए थे, 5 साल के अंदर ऐसे स्कूल बन गए कि पत्थर वत्थर फल बहुत अच्छी चीज़ लगी इसमें, और रास्ते ऐसे हो गए हमारे गांव के कि इतना काम 20 साल में नहीं हुआ, इन 5 साल में काम हमारे यहाँ, और ऐसे ही प्रधान की ज़रूरत है आगे गांव को, इंशाल्लाह प्रधान बनेंगे जी और आगे फिर काम करेंगे, जो काम इतना काम कराएंगे प्रधान जी हमारे। गाँव के विकास कार्य के लिए चर्चा कर रहे हैं, गाँव में विकास कार्यों को लेकर काफ़ी लोग बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में राव मुरसलीन के द्वारा काफ़ी काम किए गए, राव साबित से उनसे भी ज़्यादा उम्मीदें लोगों को हैं, इनसे जानेंगे। जी आपका नाम? मोहम्मद मुनफैद जी। मुनफैद जी बताइए, मुरसलीन जी ने काम किए, लोग चर्चाएं कर रहे हैं। देखो जी, हमारा जिला शामली का पहला गाँव है काम के विकास के नाम पर जी, हमारे गाँव के पास रोनी गाँव है, एक सड़क भी नहीं बनी, पुतकबड़ गाँव है छोटा सा, कोई रास्ता नहीं बना, कोई कुछ विकास नहीं हुआ, हमारी बराबर में कादरगढ़ है, बहुत से गांव हैं हमारे, हमारा इतना बड़ा गांव है, इतना विकास हुआ, हमारा पूरा पूरे जिले में सबसे पहला नंबर भैसानी इस्लामपुर का है, और खेल मैदान है हमारा कितना अच्छा बना, नहीं तो वहाँ से ऐसे लोग बच्चे खेलते थे, भैंस नहीं होती थी, उल्टे सीधे काम होते थे जी, स्कूल हमारे ऐसे पड़े थे उनमें किसी टाइम भैंस बढ़ो कुछ भी बढ़ो, आज अल्लाह का शुक्र हमारे स्कूल में मास्टर भी टीचर भी अच्छे हैं, टाइम पर पढ़ाई हो रही, बच्चों को खाना मिल रहा, नहीं तो हमारे बच्चों को खाना भी कभी नहीं मिला स्कूल के बच्चों को, और जी देख लो आप सबसे पहला नंबर है जी हमारे गांव के जिले का, जिले में गांव का हमारे पहला नंबर है जी, क्योंकि हमारा कोई भी रास्ता ऐसा नहीं रहा, इंटरलॉक और RCC खड़ंजे तो बहुत ही कम बने, नहीं तो इंटरलॉक लगवाई हमने, RCC करवाई जी सारी सड़कें, और जी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह स्कूल भी इंटर तक करवाएंगे गाँव में, और हॉस्पिटल लाएंगे और उसमें डॉक्टर लाएंगे, सब कुछ लाएंगे जो भी गाँव की समस्या है, और ऐसा नहीं जी जनता जवाब दे रही, जनता को पता जितनी हमारी साथ है, जनता इंशाल्लाह 1000-1500 वोटों से जीत रही है, जनता साथ है। ग्राम पंचायत भैसानी इस्लामपुर को लोगों ने काफी बेहतर बताया और इनकी योजनाओं को भी काफी अच्छा बताया, हालांकि कुछ ना कुछ रह जाता है लेकिन उम्मीदें सबको लगी रहती हैं। हमारे साथ थे आज के ग्रामीण, और ग्रामीणों ने हमें बताया कि किस तरह गांव का विकास हुआ, प्राथमिक विद्यालय को कायाकल्प के दौरान बदला गया, इनमें बेहतर सुविधाएं रखी गई, कोरोना काल के दौरान ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों की मदद की, उनके घर तक राशन पहुंचाया, उनकी मदद की और उन्हें कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन से उभारा। हलचल इंडिया के लिए ग्राम राणा के साथ हिमांशु पाल।